Hey guys, welcome back to my channel. My name is Veena Malwa and thank you so much to subscribe to my channel and like my videos. So I know I'm super late for Diwali lookbook, but still my Diwali outfit still not ready because इस बार में मैं अपने दिवाली का outfit खुद से ready करने वाली हूँ. So मुझे ये fabric बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इस दिवाली में मुझे कुछ light पहनना था और कुछ इतना basic कि मैं उसको कहीं और भी पहन पाऊँ. Last दिवाली में मैंने जो outfit बनाया था that was so heavy. मैंने सिल्क फैब्रिक उसमें यूज़ किया था, उसमें गजरी फैब्रिक यूज़ किया था, सो दैट ओकेशन के वाला उसको कोई नहीं पहन पा रही थी. सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ में ऐसा वीडियो शेयर करूँ जो बहुत ही इजी हो, बहुत जल्दी बना पाए. सो ऑब्वियसली मेरे पास में बहुत कम टाइम है आउटफिट को बनाने के लिए. सो मैंने फैब्रिक लिया है, 2 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने बंदेज में. फैब्रिक रेयन फैब्रिक है मेरे पास में, यहाँ पे रेयन फैब्रिक है. एंड मैंने यहाँ पे रेडीमेड पलाजो पैंट लिया है और ये भी रेडीमेड फैब्रिक है. सो यू कैन सी, सो ये मैंने रेडीमेड प्लाजो पैंट लिया है. सो ये मेरा पैंट रहेगा और इसका मैं बनाने वाली हूँ टॉप. टॉप को मैं किमोनो स्टाइल में बनाने वाली हूँ, दैट वुड बी ड्रेप. इसमें बहुत कम चेंजेस है, लाइक फ्लॉन स्लीव और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कर रही हूँ मैं इसमें. सो थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा और आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस. इसमें ज़्यादा मेजरमेंट के साथ मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है और इवन आपको भी नहीं करना है बिकॉज मैं आज इसको बहुत फास्ट बनाने वाली हूँ इस आउटफिट को. सो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है. सो बेसिकली मेरा आउटफिट फ्रंट से शॉर्ट रहेगा, बैक से लॉन्ग रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा एंड स्लीव वुड बी 10 इंचेस. सो गाइस फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और मैं फैब्रिक को लेंथ वाइज नहीं कट कर रही हूँ, विड्थ वाइज कट कर रही हूँ. सो सेंटर मार्क करने के बाद में आपको शोल्डर मार्क करना है. शोल्डर में 2 फोल्ड हम नहीं कट कर रहे हैं इसीलिए 14 इंचेस ही आएंगे. अगर आपके शोल्डर 15 इंचेस है तो आपको 15 इंचेस पे मार्क करना है सेंटर से. उसके बाद में नेक राउंड मार्क करना है. मैं यहाँ पे नेक राउंड का जो ब्रॉड है मैं यहाँ से 7 इंचेस लेती हूँ. अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनना पसंद करती हैं तो आप उतना बना सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने शोल्डर से राउंड दे दिया शेप और मैं यहाँ से लेंथ मेजर कर रही हूँ. लेंथ मैं यहाँ पे 23 इंचेस मोर देन इनफ. इफ़ यू वांट 25 इंचेस देन इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन एंड प्रेफरेंस. सो आफ्टर नेक कट करने के बाद में आपको शोल्डर कट करना है. शोल्डर आपको पूरा डाउन जाना है तो इसमें स्लीव एंड शोल्डर दोनों आपके साथ में ही रहेंगे, साइड सेम अलाउंस के साथ. और फ्रंट कट करना है और साइड से फैब्रिक 2 फोल्ड है तो फ्रंट पहले ही मैं कट कर रही हूँ. मेक श्योर फैब्रिक आपको फ्रंट से ही कट करना है, बैक से नहीं कट करना है बिकॉज दोनों की जो लेंथ है वो अलग अलग है. फ्रंट में शॉर्ट है, बैक में लॉन्ग है, इस वजह से. सो फ्रंट निकल गया है, मैंने फ्रंट को कट कर दिया है. अब सेम शोल्डर मैं 2 फोल्ड पे यहाँ पे सेम शोल्डर कट कर दूंगी. सो फ्रंट रेडी हो चुका है. अब फ्रंट को भी मैं ट्रेस करूँगी सेम जैसे मैंने शोल्डर कट किया है. एंड नीचे से मैं यू शेप कट करने वाली हूँ बिकॉज पीछे से लॉन्ग रहेगा. सो मैं यहाँ पे कॉर्नर नहीं पसंद है मुझे, सो इसको पीछे से भी मैं लॉन्ग करने वाली हूँ. सो ये एक ओवल शेप में बेसिकली टॉप बनेगा. अब उसके बाद मैं नेक फिनिशिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है. आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप बहुत सारे नेक लाइन्स मैंने कैसे फिनिश करते वो बताया. सो यहाँ पर मैं फेसिंग नेक लाइन करूँगी फिनिश और सबसे पहले बेल्ट कट करूँगी बिकॉज बेल्ट के लिए फैब्रिक अगर नहीं बचा तो मेरा पूरा आउटफिट ख़राब हो जाएगा बिकॉज जो लुक है वो बेल्ट का ही है. सो मैं बेल्ट पहले ही निकाल रही हूँ, उसके बाद में नेक लाइन के लिए फैब्रिक निकाल दूँगी. अगर आपके पास में कम फैब्रिक है तो आप मैचिंग कोई प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं. सो फेसिंग फिनिशिंग के लिए क्या करना होता है, सेम फैब्रिक लेना होता है और सेंटर से फोल्ड करना होता है 2 फोल्ड. सो दोनों फैब्रिक 2 फोल्ड पे हैं और फैब्रिक को ट्रेस करना है एज इट इज़ जैसे नेकलाइन है वैसे. ये बहुत सिंपल होता है और इसमें नेकलाइन में बिल्कुल गैदर या फिर बिल्कुल भी अनफिनिश्ड जैसा नहीं लगता है बाकी नेकलाइन फिनिशिंग की कंपैरिजन में. सो मैं अगर जल्दी में कुछ आउटफिट बनाती हूँ तो हमेशा फेसिंग नेकलाइन फिनिशिंग ही यूज़ करती हूँ. सो सेम नीचे से मैं फोल्ड कर दूँगी बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला मेरे पास फैब्रिक इतना एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप स्टिच करके ही उसको साइड से फिनिश कर दूँगी. सो फ्रंट एंड बैक नेकलाइन मेरा फिनिशिंग सेम रहेगा.
और मैंने ओपनिंग के लिए कुछ बटन्स या लूप्स नहीं दिए हैं बिकॉज इसका नेक ऑलरेडी इतना बड़ा है कि मैं इसको ईजीली पहन सकूँगी विदाउट एनी ओपनिंग। सो ये जो नेक लाइन बॉर्डर है आपको फ्रंट से ही स्टिच करना है, आफ्टर दैट आपको बैक साइड उसको फिनिश करना है। सो अब शोल्डर को जॉइन करना है, लाइक आपको जितना स्लीव डाउन चाहिए उतना ही आपको शोल्डर स्टिच करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे शोल्डर से स्लीव तक मैंने 10 इंचेस लिया है और फिर मैं यहाँ पे 5 इंचेस ओपन रखूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले साइड का सबसे जो टॉप स्टिच है वो कंप्लीट कर दूंगी सो दैट वहाँ से कुछ भी फ्रे ना हो। फैब्रिक ऑलरेडी रेयन फैब्रिक है बिकॉज ये फैब्रिक थोड़ा फ्री भी होता है इसीलिए। तो साइड से पूरा उसको स्टिच करना है, टॉप स्टिच आप कर सकते हैं इसमें एंड इवन आप चाहें तो इसमें बाइंडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना बाइंडिंग के लिए टाइम नहीं है तो मैंने इसको टॉप स्टिच से ही फिनिश कर दिया। इसी तरह पूरा टॉप मैं साइड से ही स्टिच करके और फिर उसको पूरा फिनिश कर दूंगी। सो पहले मैंने फर्स्ट साइड से शोल्डर स्टिच किए थे, अब मैं सेकेंड साइड से शोल्डर स्टिच कर रही हूँ। तो ये गाइस अभी ये रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ स्टिच हो गया है। सो मैंने आपको पहले मैंने यहाँ से शोल्डर स्टिच किए हैं 1/2 इंच, तो मुझे शोल्डर यहाँ तक डाउन जाएंगे और यहाँ से मेरी स्लीव होगी। सो मैंने बेसिकली दोनों साइड से ये स्टिच कर दिए हैं दोनों साइड से और अब मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मुझे फिट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं डमी पे ट्राई करने वाली हूँ कि फिट हो रहा है नहीं। तो यस, ये मुझे इतना फिट होगा, लाइक मैं अपने शोल्डर इजीली मूव कर पाऊंगी और यहाँ से जो रहेगा यहाँ से रहेगी एंड फिर मैं उसको यहाँ से ओपन करूँगी। सो मैं इसको पहनने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि मुझे कितना लूज रहेगा। यस, तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है इवन एंड आई कैन मूव माई शोल्डर एंड हैंड्स। सो अब मैं यहाँ से स्टिच करने वाली हूँ, मैंने सारी स्टिच कर दिया है, यहाँ से मैंने जो साइड से है पूरा स्टिच कर दिया है इसको सो दैट फैब्रिक बिल्कुल फ्री नहीं हो बिकॉज ये रेयन फैब्रिक है। सो आई कैन इजीली मूव फ्रॉम हियर एंड सो यहाँ से अगर मैं इसको पहनती हूँ तो यहाँ से इसका बेल्ट आएगा एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस आई थिंक एंड यस। सो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 6 इंचेस का गैप रखना है सो दैट आप इजीली मूव कर पा रहे अपने हैंड्स और इजीली डाल सके और फिर स्टिच करना है जो आपकी टॉप की लेंथ है। सो फ्रंट तक ही उसको स्टिच करना है, सेम प्रोसेस दोनों साइड करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। सो ऑलमोस्ट मेरा ये टॉप है जो स्टिच हो गया है, अब मुझे इसको पहन के देखना है कि मुझे बराबर हो रहा है या नहीं है। कंफर्टेबल तो है, मुझे बहुत कंफर्टेबल है एंड जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल ही वैसा ही है इसका फिटिंग, इसका फॉल, इस फैब्रिक का। तो मैं इसको ट्राई करके देख रही हूँ। लिटिल मेट में थोड़ा सा लूज हो रहा है, अगर मैं हैंड मूव करूँगी तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा और लूज करूँगी। सो लेकिन बाकी परफेक्ट फिटिंग है मुझे। सो अभी मैं बेल्ट के लिए देख रही हूँ बिकॉज मेरा जो बेल्ट होगा वो यहाँ से रहेगा, बेल्ट इवन पीछे से ऐसे रहेगा और लाइक बेल्ट अंदर से होगा। सो मैं बेल्ट के लिए सबसे पहले मार्किंग करती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट बेल्ट कहाँ पर चाहिए। मुझे 40 पे मार्क करना है तो मैं यहाँ पे इसको मार्क। सो एग्जैक्टली मुझे बेल्ट 14 इंचेस पे चाहिए तो मैं 14 इंचेस पे ही दोनों साइड मार्क करके वहाँ से बेल्ट के लिए थोड़े से कट कर दूंगी सो मैं वहाँ से बेल्ट को पास कर सकूँ। सो मैंने जैसे चौक से मार्किंग किया वहीं पे मैं उसको स्लाइड कट कर दूंगी जो बेल्ट की विड्थ है। ऐसा गाइस प्लीज़ मत करना क्योंकि कई बार ऐसे ये कट्स कई बार ज़्यादा हो जाते हैं और बेल्ट की विड्थ कम हो जाती है, कट उतने ही करने जो बेल्ट की विड्थ है। तो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 1 इंचेस के ही कट किए हैं क्योंकि ये फिनिशिंग के बाद में इसका 1/2 इंचेस और एक्स्ट्रा हो जाएगा।
सो गाइस मैंने यहां से कट कर दिया है फैब्रिक में, लाइक अगेन फेसिंग फिनिशिंग ही यूज करने वाले कट के लिए, और साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके फिर उसको फिनिश करना है। साइड से मैंने स्टिच कर दिया है उसको, फ्रंट से ही मैं स्टिच करने के बाद मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और टॉप स्टिच कर दूंगी। सो माय टॉप इज रेडी। सो मैं इसको फ्रंट पे ही स्टिच कर रही हूँ, और स्टिच करने के बाद में मेक श्योर आप इसको लॉक कर रहे हैं थ्रेड को, सो दैट वो वहाँ से ओपन नहीं हो। और यहाँ से उसको टर्न करना है और आयन से उसको फ्लैट करना है, सो दैट ये एकदम स्मूथ और काफ़ी फिनिशिंग वाइज लगे अच्छा। सो इसको टॉप स्टिच करके ऑलमोस्ट मेरा टॉप रेडी हो गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पहनने के लिए। सो लेट्स सी ये कैसा लगता है। सो यस गाइज, मैंने इसको स्टाइल किया है अफगानी इयर रिंग्स के साथ में, बिकॉज मेरा जो आउटफिट वह थोड़ा लिटिल बिट लूज है। सो मैंने इस पर स्टाइल किया है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के साथ में विथ मैचिंग ऑक्सीडाइज रिंग, और अब मैं इसको स्टाइल करूँगी बेल्ट के साथ में। इसका जो बेल्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको पहनना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड में ही है, सो इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट। इस आउटफिट में सबसे अच्छी डिटेलिंग मुझे ये बेल्ट की लगी है, इसी से इसका लुक है वो काफ़ी डिफरेंट एंड बहुत यूनिक लग रहा है। सो गाइस, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मेरे पास में चांद बालीस एक्स्ट्रा थी, उसी का मैं नेक पीस बना रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट सेम नेक पीस फॉर दिस ईयरिंग्स। सो इसीलिए मैं इसको अटैच कर रही हूँ दोनों चांद बालीस को। अगर आप इसको बाद में यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मैचिंग के लिए, मुझे कहीं मिला नहीं इसका मैचिंग नेक पीस, इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ। सो दोनों चांद बालीस को मैंने ऊपर नीचे अटैच कर दिया है, और अभी इस मुझे अटैच करना है एक सिंपल रिंग। सो बहुत ही ईजीली इसको है बनाना, तो या माय नेक पीस इज़ रेडी। सो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए, या सो इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस ऑन मी। और आउटफिट के साथ में ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका जो कलर है पिंकिश कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।